आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड जो भारत की ट्रस्टेबल ब्रांड रही है नोकिया के बारे में। नोकिया का जो 6.2 मोबाइल जो लॉन्च होने वाला है उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन अनबॉक्सिंग बॉक्स कंटेंट जो भी हमें उसके अंदर मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फंड में। जी हाँ, शुरू करते हैं नोकिया 6.2 के कैमरा सेटअप से। नोकिया 6.2 के अंदर हमें जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जो कि एक सर्किल डिजाइन के अंदर इनको कैमरों को प्लेस किया गया है। इसकी यदि बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी कैमरा सेंसर हमें 20 मेगापिक्सल का, फिर बाद में 8 मेगापिक्सल का, फिर 5 मेगापिक्सल का तीन कैमरा सेटअप इसके अंदर मिल जाते हैं। यदि इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें 6 इंच फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिल जाता है, जिसके अंदर पंच होल डिजाइन के साथ 13 मेगापिक्सल का यानी 13 मेगापिक्सल का हमें एक जो है सेल्फी कैमरा या फ्रंट कैमरा हमें इसके अंदर मिल जाता है। इसके बाद यदि बात करें हम इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर पे थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। इसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर हमें मिलने वाला है। वैसे रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 मिलने वाला है, ऐसा कुछ ही नहीं है। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि बात करें तो बैटरी इसकी थोड़ी सी छोटी है, मानते हैं इसके अंदर जो है हमें 3300 mAh की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। साथ में बात करें इसके फास्ट चार्जर ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा फ़ोन। और इसके अंदर हमें जो है दो वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, एक 4GB 64GB वेरिएंट और एक इसका 6GB 64GB वेरिएंट हमें देखने को मिल सकता है, यानी 4GB रैम के साथ और 6GB रैम के साथ। जो मेमोरी है वो 64GB सेम रहेगी। यदि बात करें इसकी प्राइस की तो 4GB 64GB जो है वो हमें देखने को मिलेगा बड़े ही इंटरेस्टिंग प्राइस के अंदर, यानी 12,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन हमें देखने को मिल जाएगा। यदि बात करें हम 6GB 64GB वेरियंट की तो ये हमें 15,000 की कीमत के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब कि बजट फ़ोन के अंदर ये एक बहुत ही शानदार कंपटीशन प्रोवाइड करा रहा है बाकी सभी ब्रांड्स को। यदि हम बात करें शाओमी वगैरह जो भी और भी ब्रांड, काफ़ी सारे ब्रांड हैं, MI और ये रियलमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो, उनकी जगह यदि बात करें हम नोकिया की तो नोकिया के ऊपर हमें एक विश्वास है। और इसी प्राइस रेंज के अंदर यदि इतना अच्छा फ़ोन हमें मिलने वाला है तो हम क्यों ना इस फ़ोन को लें। तो आप बताइएगा नोकिया 6.2 के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप उस फ़ोन को लेना पसंद करेंगे 15,000 रुपये की कीमत तक, 12,000 से 15,000 रुपये की कीमत है। यदि आप पसंद करते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।